नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, पटना में छठ को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन जारी। अर्घ देकर डुबके न लगाएं, बुखार से ग्रस्त बुजुर्ग और बच्चों को छठ घाट न लाएं। जी हां, छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सुझाव के साथ कुछ गाइडलाइन जारी की है। छठ करने वालों को अर्घ देने के दौरान डुबके नहीं लगाने को कहा गया है। अगर बुखार है तो भी घर से घाट तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी सलाह यह दी गई है कि खतरा कोरोना का है, इस कारण से घर पर ही छठ मनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। छठ व्रत के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करने तथा 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करने की भी सलाह दी गई है। कौन बनेगा बिहार मुख्यमंत्री? बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए की अहम बैठक आज। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बिहार में एनडीए के चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधानमंडल दल की बैठक 15 नवंबर यानी कि आज होनी है, जिसमें नेता का चयन होगा। शुक्रवार को राजधानी पटना में एक अन्य मार्ग स्थित चारों दलों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एनडीए के इस बैठक की जानकारी मीडिया को दी थी। नीतीश ने बताया कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से एनडीए के चारों दलों के विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी। इसमें एनडीए विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा, साथ ही सरकार गठन को लेकर सारे निर्णय इसी बैठक में लिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि रविवार को एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक के पूर्व चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधायक दलों की अपनी अपनी बैठक होगी। इस बैठक में ये दल एनडीए के चुने जाने वाले नेता के नाम पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनके नेतृत्व में सरकार गठन के लिए राज्यपाल को सौंपा जाने वाला पत्र भी तैयार करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हो सकता है। राजभवन इसकी तैयारी में इस तरह जुटा है कि शॉर्ट नोटिस पर भी शपथ ग्रहण हो सके। बिहार ने बेमानी से महागठबंधन को हराया। बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव ने जताया, बिहार के चुनाव रिजल्ट के बाद सरकार गठन के हलचल तेज है। वहीं रिजल्ट को लेकर एनडीए पर लगातार हमले हो रहे हैं। महागठबंधन विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए और आयोग पर चुनाव हारने के आरोप मढ़े थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी हलचल बढ़ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एनडीए पर तंज कसते हुए चुनाव को जनता से धोखा बताया है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव रिजल्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेमानी से हराया है। नए मंत्रिमंडल का गठन, सुशील मोदी समेत बीजेपी के ज्यादातर मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, बीजेपी सूत्रों से मिल रही है बड़ी खबर। जी हां, बिहार में बनने वाली नई सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत बीजेपी कोटे के ज्यादातर मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, बीजेपी सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है। बीजेपी इस दफे युवा चेहरों को ज्यादा मौका देने जा रही है। बीजेपी सूत्रों से मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक सुशील मोदी का पत्ता साफ हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय में ये चर्चा गरम है कि सुशील मोदी इस दफे नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे डिप्टी सीएम पद के लिए कोई नया नाम सुझाए। वहीं अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी की जगह कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं बिहार का अगला डिप्टी सीएम। सियासी गलियारे में चर्चा तेज। बिहार में नई सरकार का गठन होना है, यह गठन 29 नवंबर के पहले होना तय है। एनडीए को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार भी तय हो गए, लेकिन सवाल उप मुख्यमंत्री को लेकर उठने लगा है। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी है। सुशील मोदी नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल से लगातार डिप्टी सीएम बने हुए हैं। बीच में 2015 में
महागठबंधन की सरकार आई तो वे नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन महागठबंधन की सरकार डेढ़ साल भी नहीं टिक पाई। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार आ गए तो उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर फिर से सुशील मोदी काबिज हो गए, लेकिन इस बार बिहार के सियासी गलियारे में सुशील मोदी की जगह कामेश्वर चौपाल ने लगा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी उन्हें अहम जिम्मेवारी सौंपने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाली है। हालांकि इस बार अभी अधिकृत रूप से कोई भी नेता बयान देने को तैयार नहीं है। वहीं कामेश्वर चौपाल का कहना है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, इस नाते मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका मैं समर्पित होकर निर्वाह करूंगा। आरजेडी के खिलाफ हमलावर हुई जेडीयू, कहा तेजस्वी संपत्ति की हेरापेरी को जा रहे हैं धन्यवाद यात्रा पर। बिहार विधान परिषद के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जेडीयू मुख्यालय में नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उनकी प्रस्तावित धन्यवाद यात्रा का मकसद संपत्ति की हेरापेरी बताया। उन्होंने पूछा कि किस बात के लिए तेजस्वी धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं। आरोप लगाया कि हर चुनाव में राजद में संपत्ति और जमीन लिखवाने की परंपरा। पूछा कि क्या तेजस्वी फिर से जमीन लिखवाने जा रहे हैं, दाखिल खारिज कराने की तैयारी है क्या, अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो सचेत रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले बिहार में एनडीए हार गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए बिहार में जीतकर भी हार गई। वर्ष 2017 के बाद भाजपा कभी भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई है। वे परबत्ता बरकंड अंतर्गत सतीश नगर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के श्राद्ध क्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें बहुत वक्त तक जिंदा नहीं रहती है। बिहार में झामुमो को कम सीट मिलने के सवाल पर उन्होंने इसे अपने घर का मामला बताया। चलिए बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 588 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 226,669 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,666 कोरोना के एक्टिव मरीज है। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 184 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1174 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 870 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। छठ पूजा में आना चाहते हैं घर तो देख लीजिए ट्रेनों की यह लिस्ट। रेलवे ने आपके लिए चला रखी है कई ट्रेनें। दूसरे शहर में रह रहे बिहार के लोगों के लिए दीपावली व छठ पूजा में घर आने और वापस जाने के लिए रेलवे ने बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम कर रखा है। एक साथ कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। नई दिल्ली, अजमेर, कोलकाता और रांची सहित कई शहरों से बिहार के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इनमें काफी ट्रेनें पटना के लिए है, जबकि कई ट्रेनें ऐसी है जो पटना के रास्ते गुजरेगी। आइए जानते हैं सभी ट्रेन के बारे में। सबसे पहला ट्रेन नंबर 040403 या पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से 12 नवंबर से चलाई जा रही है, जो 22 नवंबर तक चलेगी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के दुर्ग और पटना के बीच एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जिसका ट्रेन संख्या है 03288। राजेंद्र नगर टर्मिनल दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर से चल रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। वहीं तीसरा है रांची पटना सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन, रांची से 22 नवंबर को जबकि पटना से 23 नवंबर को चलेगी। इसके बाद है नई दिल्ली इस्लामपुर पूजा स्पेशल, जो 15 एवं 16 नवंबर को रात 8 बजे नई दिल्ली से खुलेगी। संख्या 04451 इस्लामपुर से 16 एवं 17 नवंबर को शाम 3:30 बजे नई दिल्ली के लिए खुलेगी। इस ट्रेन का परिचालन वाया प्रयागराज, पंडित उपाध्याय, बक्सर, दानापुर के रास्ते किया जाएगा। इसके बाद ट्रेन नंबर 03255 पाटलिपुत्र स्पेशल 21 अक्टूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को चंडीगढ़ के लिए चलाई जा रही है। उसके बाद ट्रेन नंबर 02355 पटना 20 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को चलाई जा रही है, जबकि 02356 जम्मू तवी से पटना के लिए 21 अक्टूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह में हर रविवार एवं बुधवार को चलाई जा रही है। वहीं आगे आपको बता दें ट्रेन नंबर 03259 पटना से सीएसएमटी मुंबई स्पेशल 21 अक्टूबर से 29
नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को चलाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगली बड़ी खबर, बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू, रेलवे कर रही है तैयारी। बिहार यात्री संघ ने लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है ताकि दैनिक यात्रियों की परेशानी खत्म हो। संघ ने कहा कि जिस तरह रेलवे मंत्रालय के आदेश अनुसार पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सुबह 8 से 11 तक और शाम 4:30 से 8:30 तक ट्रेन चल रही है, उसी तरह राज्य में भी लोकल ट्रेन का परिचालन बढ़कर सुबह 8 से 11 तक और शाम 4:30 से 8:30 तक कराया जाए। 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर तक होगी तैयार। जी हां, 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इस संबंध में सभी जिलों को डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की फाइनल सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भी भेज दिया गया है। कहा गया है कि 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर निकाय की नियोजन इकाइयों की मेगा सूची जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करा जाए। 5 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्ति लेना है, 9 दिसंबर तक फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेगा सूची 25 नवंबर तक जिला एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करना है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले अतिक्रमण मुक्त होंगे स्कूल। जी हां, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। पटना जिला अंतर्गत ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर स्कूल परिसर अतिक्रमित है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो बोर्ड परीक्षा के पहले सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए छठ महापर्व के बाद स्कूल के प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि स्कूल की समिति ही सभी निर्णय लेती है। तेजस्वी की टास्क फोर्स, बाहुबली अनंत सिंह और रितलाल यादव को तेजस्वी ने लगाया महागठबंधन सरकार के जुगाड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद बहुमत से पीछे रहने बावजूद महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के साथ अपराध से राजनीति में आकर पहली बार दानापुर से MLA बने रितलाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार के जुगाड़ के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें मनी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी काम दिया गया है। तीनों तरह के लोग इस मुहिम में जुट गए हैं। विरोधी दल से लेकर निर्दलीयों को भी साधने के लिए तेजस्वी ने अपने इन सेनापतियों को टास्क सौंप दिया है। इन्हें सब कुछ पक्का कर राजद प्रवक्ता से समन्वय करना है। वहीं गुरुवार को राजद के विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि NDA सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव की ये गुप्त टीम ऑपरेशन में लग चुकी है। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अगले महीने भारत को 10 करोड़ डोज मिलने वाला है। दिसंबर से ही टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच भारत के लिए दिवाली से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी आई है। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी दिसंबर तक भारत को AstraZeneca VLC COVID-19 टीके के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के CEO आदार पुनावाला ने कहा कि यदि फाइनल स्टेज ट्रायल के डेटा में यह वैक्सीन प्रभावी पाई जाती है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने AstraZeneca के साथ कम से कम 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता किया है। डेंगू पर गंभीर हुआ प्रशासन, स्वास्थ्य केंद्रों पर अब एंटीजन किट से होगी जांच। पटना के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू की जांच कराई जा सकती है। इन केंद्रों पर रैपिड एंटीजन किट से जांच की जाएगी। इसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय ने तैयारी कर ली है। करीब 800 जांच किट इन स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जा रही है। इनके खत्म होने के बाद और भी किट भेजी जाएगी। यहाँ डेंगू जांच की सुविधा उपलब्ध होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि डेंगू के नए केस यहाँ से सामने आएंगे। वही मरीजों को आसानी से अपने घर के पास ही जांच की सुविधा मिल जाएगी। जिले में अब तक 142 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से अकेले करीब 73 मरीज PMCH माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब से हुई जांच में मिले थे। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब